नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। इससे एक दिन पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार के मंत्री शामिल होंगे। संसदीय मामलों के मंत्रालय के मुताबिक यह बैठक दोपहर 3 बजे पुरानी संसद की लाइब्रेरी में होगी। विपक्ष इस बैठक का बायकॉट कर सकता है। राहुल की सांसदी छिनने और अडानी मामले में चर्चा नहीं होने से कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां नाराज है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लाए अध्यादेश की वजह से केंद्र सरकार के विरोध में है। लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन के मुताबिक सत्र में यूसीसी समेत 21 नए बिल्स को पेश और पारित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पहले सर्वदलीय बैठक 18 जुलाई को बुलाई थी, लेकिन एनडीए और इंडिया की बैठकों के चलते इसे टालना पड़ा था। मानसून सत्र में हंगामा होने के आसार हैं। एक ओर जहां सत्ता पक्ष जरूरी विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अडानी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित थे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सत्र में कई जरूरी विधेयक पेश किए जाने हैं। ऐसे में सभी दलों को सत्र चलाने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार नियम व प्रक्रिया के तहत किसी भी विषय पर चर्चा कराने से पीछे नहीं हट रही है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।